YouTube चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हुए दिनेश और संदीप। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक आज एक बहुत ही स्पेशल बात बताने वाले हैं। जो यहाँ हरिद्वार में हम आए तो हमें यहाँ पता चला कि यहाँ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। वो चेंजेस के बारे में हमने पूछताछ करी तो हमें पता चला कि यहाँ चंडी मंदिर के पास में एक चंडी घाट बनाया गया है, यहाँ पर जो नया बनाया गया है। और यहाँ पर हमें जैसे पता चला कि उन्होंने बताया है यहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं या और लोग हैं कि यहाँ पे 2021 का महाकुंभ संपन्न होने वाला है। और गाइस, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे कि मैंने वीडियोस में कुछ क्लिप डाली, आप देखिएगा जरूर, आधा काम लगभग पूरा हो चुका है और काफ़ी लंबे दौर में भी काम चल रहा है यहाँ पे। और काफ़ी सुंदर है यार ये, वहाँ के अकॉर्डिंग तो नहीं, अभी तो साफ़ सुथरा यार, नया बना है और अच्छा भी लग रहा है। आगे देखते हैं कि इसकी हालत क्या होने वाली है, यहाँ के लोग कैसे इसकी केयर करते हैं, जो बाहर से आते हैं वो कैसे केयर करते हैं। क्योंकि हम तो एक ही बात कहते हैं कि आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखो, और जब आप आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखेंगे तो आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे यार। तो देखते हैं, अब आगे चलते हैं, फिर आगे घाट की तरफ चलते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और अभी हम घाट के बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं गंगा जी बह रही है, बड़ी तेज़ी में बह रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है। यहाँ पे चौपाल टाइप में बनी हुई है थोड़ी, दोनों तरफ नीचे जाने के लिए है, नीचे जाने जाकर ये नहाने के लिए भी है। देखिए जी, उसी में ही चैन भी है, चैन पकड़ के वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और यहीं पर होने वाला है 2021 का महाकुंभ सम्पन्न, जैसा कि हमें यहाँ के लोगों से पता चला है। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, ये हैं आए पानीपत से, और ये थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था, ये नया घाट बना है और महाकुंभ वगैरह के बारे में, तो इन्हें इसके बारे में नॉलेज है क्योंकि ये आते ही रहते हैं अपने। तो आप बताइए, जो नया घाट बना है मतलब इसके बारे में बताइए कि मतलब क्यों और कैसे इसलिए बनाया गया है और क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये घाट हमने इसलिए बना रखा है, सरकार ने इसलिए बनाई है क्योंकि ये कोई भी यहाँ पर त्यौहार होता है तो वहाँ पर बहुत ही गंदगी होने लगती है और बहुत ही रस हो जाता है, इसलिए रस के कारण यहाँ पर ये चंडी घाट बनाया गया है ताकि यहाँ पे लोग घूम सकें। और इतना घाट सुंदर बनाया गया है कि यहाँ पे लोग देखते ही बोलते हैं कि यहाँ विश्राम करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर से लोग आते हैं केड़ी से, कोंट से और अपना अमरनाथ बद्रीनाथ से, तो यहाँ पर रुकते हैं। और यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर एक मंदिर है आगे, जहाँ क्या नाम है मंदिर का, चाहिए काली मंदिर, काली मंदिर नाम है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, प्राचीन मंदिर है, जहाँ दर्शन आज भी किए जाते हैं, जो ऊपर से लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकते हैं। और इस घाट पे ये पुल है, इस पुल के उधर जो है वो शमशान घाट बनाया गया है, जो शमशान घाट बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है वहाँ पे, पहले जो था यहाँ घाट नहीं थे तो ऐसे ही किनारे पे देते थे जिससे गंगा गंदी होती थी, इसलिए शमशान घाट बनाया सरकार ने ताकि घाट भी स्वच्छ रहे। और फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पर अस्थि विसर्जन हुआ करता था और यहाँ दाह संस्कार हुआ करता था, तो जिसके वजह से क्या होता था कि ये जो पानी है यहाँ का उसमें थोड़ा वो सारी चीज़ें मिल जाती थी, तो यहाँ लोग स्नान के साथ साथ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको घाट को प्रॉपर एक बना दिया और इससे जो फ्लाईओवर बना उसके आगे की तरफ वो अलग एरिया दे दिया, जिससे कि वो आगे की तरफ ही पानी जो बह जाएगा, यहाँ साफ़ सुथरा रहेगा, यहाँ पे स्नान करेंगे लोग और यहीं से ही अपना जल को भी भर के लेके जा सकते हैं वो।
और दूसरी चीज़ इन्होंने मुझे बताई कि यहाँ पे महाकुंभ का मेला भी, महाकुंभ का भी 2021 का मेला भी संपन्न होने वाला है यहाँ पर, और कावड़ी भी अब की बार यहाँ पर ही भारी तादाद में आने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अब की बार भारी तादाद में कांवड़िया भी आने वाले हैं, क्योंकि ये नया घाट बना और काफ़ी लुभावना भी है, तो अब ये तो आना बनता ही है, क्योंकि सुंदरता के लिए तो हर कोई आता है और नया है तो आकर्षित का ये केंद्र बना रहेगा अब की बार। तो फ्रेंड्स अभी आगे और देखते हैं आगे क्या है। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी? क्योंकि यार ये नया घाट बना है यहाँ पे, जैसे कि हम बता चुके हैं, और यहाँ तो खैर काफ़ी साफ सफाई है और वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में छोटे छोटे गार्डन है जैसे कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं। और फ्रेंड्स आपने जैसे कि पहली हमारी वीडियो देखी है जब हमने स्नान किया था हरिद्वार पे, वो वाला घाट और ये वाला घाट डिफरेंस आप कर ही सकते हैं। ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा ही था, लेकिन बस ये है कि ये वाले घाट में हम ये अंतर देख रहे हैं कि इसमें रेड मार्बल्स का इन्होंने यूज़ किया है, लाल पत्थर यूज़ किया है इन्होंने, और उससे तो काफ़ी ऊंचा है घाट। और तीसरी बात यह है कि जो ग्रिल्स लगी हुई हैं वो स्टील के ग्रिल्स लगी हुई हैं, और तीन चार चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं यहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे टॉयलेट्स के लिए जो व्यवस्था थी वो ऊपर जाना पड़ता था, आपको आपसे जगह टॉयलेट जाना है तो यहाँ पे गया, आपके सामने है टॉयलेट्स हैं, फिर कुछ शॉप्स भी खुलने वाली हैं यहाँ पे, तो मतलब जिन चीज़ों की मतलब प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व आउट कर रहे हैं। अगर हम सिंपली अगर हम अपने लैंग्वेज में कहें टोटली स्पेस, ये ना स्पेस पूरा खुला स्पेस है, वहाँ इतना स्पेस नहीं है, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ टाइप में ही है, दोनों तरफ से धाराएं बह रही है, सेफ है, अच्छा है यहाँ पे काफ़ी, वो भी सेफ है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, और अब आपको बता ही चुके हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स ये दोनों ही घाट अच्छे हैं, ये घाट भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, वहाँ भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ भी आते हैं, और यहाँ पे अब आना ज़्यादा स्टार्ट होगा क्योंकि कांवड़ियों की यात्रा शुरू होने वाली है, कुछ ही दिन में कांवड़ियाँ आ जाएंगी यहाँ पर। और जैसा कि देखा जा रहा है कि सन 2021 में कुंभ मेले की भी तैयारी चल रही है, सो उसकी तैयारी से भी अभी से ही स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने, काफ़ी अच्छी बात है। तो दोनों ही घाट हमारे लिए अच्छे हैं और आना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ खूबसूरती, ये घाट खूबसूरत है थोड़ा उससे, इसलिए थोड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, नया है तो यार इसलिए भी लोग यहाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। और कुछ लोगों से हमें बात करिए तो हमें ये पता चला है कि इसी के साथ से बाईपास रोड है, तो जो लोग वहाँ उस घाट पे जाते थे तो कुछ लोगों को बहुत दूर पड़ता था वो, तो अब लोग क्या करते हैं यहाँ से सीधा यहीं पर ही घाट पर आ जाते हैं बस से, और यहीं से ही बस लेकर अपने जहाँ जहाँ जाना है उन्हें जा चले जाते हैं, और वहाँ से उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी लंबा पड़ता था, तो ये भी उनके लिए कन्वीनियंस है। सो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट्स में, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनाएं आपके लिए प्लीज़ वो भी सजेस्ट करिए, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, जो लोग नए देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे सब्सक्राइब करने का बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके साथ करें। तो फ्रेंड्स आप चाहते हैं हम आपसे इजाज़त, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे ना आप करना यार, ठीक है। अब हम चाहते हैं इजाज़त, और इसी के साथ हम कहते हैं आपको बाय बाय।